आई एम प्रियव्रत मुदली। हाँ यहाँ आओ। हाँ जय जय शनिदेव। पूछो पूछो, ले जा उधर ले जा के। हाँ जय जय शनिदेव। मुन्ना आर यू फाइन? यस आई एम रियली फाइन। आई एम स्लीपिंग वेल, वर्किंग वेल, फीलिंग वेल सर। इन पास्ट टाइम आर यू सफर फ्रॉम डिप्रेशन? यस आई एम सफर फ्रॉम डिप्रेशन, सफोकेशन एंड कंफ्यूजन। यस यस। And what is the reason behind that? That you are confused? I don't know. It seems to be some people have came to my life with some negativity in my life. I have no relation with them, but they think that I have some relation with them. I am happy with my professional life. They have came from Raipur to my city to suffocate me. Lastly, what's your profession? I'm a branch manager in a solar company. Branch manager in a solar company? Yes, yes. Okay. It started from 2019 in April, month of April. I think today it has been concluded. Yes, sir. Yes, Guruji. What is your education qualification? I'm an MBA graduate with marketing and HR. I'm a... Are you... How many doctors check you? How many doctors check you? Two hospitals have checked me. Which hospital name them? In Bhubaneswar, one is High Tech Medical College. Yeah. They tell me that we can't do anything else. And another is, one is in... Tell me what? They tell that you have something we can't cure. अंदर मेरे अंदर जो भी है वो कुछ ठीक कर नहीं पाएंगे। ऐसा उन्होंने मुझे रेकमेंड करके छोड़ा था कि आपका जो क्रिया है कोई विज्ञान, डॉक्टरी विज्ञान उसको पकड़ नहीं पाएगा। क्या क्रिया है, क्या मानते हैं वो? बोलते हैं कि ये हमसे परे है। टेस्ट कराए थे उन्होंने कुछ? हाँ, सब टेस्ट करवाए। और फिर क्या बोला, ये हमसे क्या परे है? ये हमारे विज्ञान से परे है, डॉक्टरी विज्ञान से। तो फिर बड़ा टेस्ट कहाँ करा रहे हो? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कितना पैसा उनका लगा, आपका लगा कितना? मेरा करीबन 50,000 पैसा खर्चा हुआ मेरी माँ का। फिर यहाँ के बारे में किसने बताया? बड़े भैया आए थे चावला 4 साल पहले। अच्छा, हमारे जो छोटा धाम जिधर था तो वहाँ कौन ठीक हुआ था? बड़े भैया आए थे, हवन पवन करके गए थे उस टाइम में। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था फिर? घर में तो कुछ नहीं, वो ऐसे अपने दोस्तों से सुने थे। अच्छा, वैसे ही हवन करा के हवन करके गए थे। बहुत अच्छे। फिर मुझे बोला कि तुम दिन ब दिन सूखते जा रहे हो। हाँ। डॉक्टर के पास चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। मैं मोटा लड़का हूँ तो मैं अपना खाना पीना का शौकीन हूँ। हाँ। तो मैं दुबला होते गया। फिर भैया ने बोला कि तुम सूख सूख के मर जाओगे, तुम एक काम करो, दिल्ली जाओ सनिधान मनु भैया के पास। मनु भैया के पास तो इधर आया, मैं मोटा फिर से हो गया। तो सारे भूत चले गए अपने आप। सारे भूत चले गए। तंदुरुस्त लड़का हूँ, फिर से तंदुरुस्त हो गए। हाँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो है प्रतिक्रिया में इधर धाम में सब सेवा करता हूँ वो सब कट जा रहा है पूरा, और आपका और गुरु माँ का आशीर्वाद मुझे दिन ब दिन मिल रहा है। हाँ। और क्या चाहिए मुझे? नहीं कुछ और चाहिए, नहीं और कुछ नहीं चाहिए, सेवा से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या लगता है कि हॉस्पिटल अच्छे है कि शनि धाम अच्छा है? अस्पताल में वो बनावटी चीज़ें करते हैं, जैसे छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर, उससे पैसा ऐंठते हैं। मेरे पिताजी 7 लाख रुपए खर्चा किया, पिताजी चले गए। 3 अस्पताल में हमने भर्ती किया, एक है कलकत्ता का अस्पताल। मतलब आपका मानना ये है हॉस्पिटल वाले गलत इंजेक्शन लगा के और उल्टा बीमार कर मेरे पिताजी खुद चिल्लाए थे, बोले थे मुझे रात में आके डरा रहे हैं। यही हॉस्पिटल वाले ICU में शायद उनको कुछ मारे थे भी, उनको ICU में 7 लाख रुपए खर्चा किए थे। कौन से हॉस्पिटल? अमरी हॉस्पिटल, AMRI हॉस्पिटल, वो है आपका कलकत्ता का, उनका हेड ऑफिस है। अच्छा, वे वो तो मार्केट रहते भी हैं और पैसा भी हटते हैं। हाँ जी, AMRI हॉस्पिटल, KR हॉस्पिटल कटक में, SCB मेडिकल, वो मारते भी हैं पेशेंट को रात में, डराते हैं ऐसे करके, तुम कुछ मत बोलना है नहीं तो तुमको इंजेक्शन दे देंगे, भूल इंजेक्शन, और इंजेक्शन में पानी भी दे देते हैं, वैक्सीन भी नहीं देते। हाँ गुरु जी, सच्ची बात। तो फिर आपने केस क्यों नहीं किया? तो पढ़े लिखे आदमी केस कैसे करेंगे? पिताजी तो गुजर गए, उसके बाद मालूम पड़ा 1 साल के बाद कि ये सब इन्होंने किया, पिताजी को मरवा दिया पैसा लेकर। और
पैसा भी दे दिया, पैसा 7 लाख रुपए खर्चा हुआ। अपने पिताजी का पेट वेट देखा था, क्या पता कोई अंग नहीं खा लिया हो डॉक्टरों ने, वो तो पता नहीं, चेक नहीं किया, वो बोल के उनका ब्लैडर फट गया था। ऐसे बोले? ऐसे बोले। कभी ब्लैडर फाड़ के अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल ली हो? कुछ तो ऑपरेशन हुआ नहीं था उनका, कुछ काटे कुटा मतलब जो सर्जरी वगैरह कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ इधर से पानी निकाला था। अच्छा, शायद कुछ लिया होगा पता नहीं। रुपया कितना लिए? एक अस्पताल लिया 1,75,000 लिया अमरी अस्पताल, फिर दूसरा अस्पताल लिया करीबन 2,30,000, और तीसरा सरकारी अस्पताल में और 2.5 लाख खर्चा हुआ। 2.5 लाख सरकारी में? वो तो एक दिन का लिखते थे मेडिसिन करीबन 20-30 हज़ार रुपये एक दिन में, एक चिट्ठा लेके गए 30,000-35,000 का मेडिसिन ला, इतना हाई पावर। 35,000 का मेडिसिन तो बहुत होता है एक दिन, बहुत सर, बहुत गुरु जी। इधर तो हम हवन करते हैं 500 रुपये में सिर्फ, उनका तो दिखावा 500 रुपये का था, देखने के लिए 500 रुपये चाहिए उनको डॉक्टर को। अब ज्यादा हो गया वो, अभी तो 1,000 रुपये ले रहे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 1,000-1,500-2,000 रुपये अब तो 1,000-1,500 और 2,000। जी जी जी, ये हो गया, ठीक है ना, चलो आप ठीक हो गए, आपके लिए शनिदेव महाराज। जय शनिदेव।